नमस्कार मित्रों, हवे आपने जनरेट थयेला क्यूआर कोड ने केवी रीते उपयोग में लई शकाय ते संदर्भे माहिती मेळवीए। मित्रों, सौ प्रथम आपणा मोबाइल नु प्ले स्टोर ओपन करीशुं। अहीं सर्च में क्यूआर कोड स्केनर सर्च कर्या बाद सारा रेटिंग वाली कोईपण एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करीशुं। मित्रों, अहीं स्क्रीन पर आप जोई शको छो घणी बधी एप्लिकेशन अहीं अवेलेबल छे। आ बधा पैकी कोईपण एक एप्लिकेशन आपणा मोबाइल में इंस्टॉल करीशुं। अहीं हूँ क्यूआर कोड बारकोड स्केनर नामनी एप्लिकेशन इंस्टॉल करी रह्यो छूं। मित्रों, अहीं आ क्यूआर एंड बारकोड स्केनर नामनी एप्लिकेशन इंस्टॉल थई गई छे। हवे आ एप्लिकेशन ने ओपन करीशुं। एलाउ क्यूआर एंड बारकोड स्केनर टू टेक पिक्चर्स एंड रेकॉर्ड वीडियो, तो आपणे एलाउ आपीशुं। अहीं तमे जे वच्चेनुं जे बॉक्स जोई रह्या छो ए बॉक्स ए क्यूआर कोड स्केन करशे। हवे आ इंस्टॉल थयेली एप्लिकेशननी मददथी आपणे क्यूआर कोड स्केन करीने जे ते माहिती सुधी पहोंची शकीए छीए। अहीं मारी पासे एक क्यूआर कोड छे, एने हवे हूँ स्केन करीश। आम आ रीते आपणे क्यूआर कोडना स्केन करी शकीए छीए। અહીં URL પણ જોઈ શકો છો, dietgandhinagar.blogspot.com ઓપન કરીશું। આમ QR કોડની મદદથી આપણે ડાયટ ગાંધીનગરનો બ્લોગ ઓપન કરી શક્યા। મિત્રો, આમ આ રીતે એકદમ સરળતાથી આપણે QR કોડને સ્કેન કરીને જે તે માહિતી સુધી એકદમ સરળતાથી અને ઝડપથી પહોંચી શકીએ છીએ।